नमस्कार, मेरा नाम पिंटू कुमार है और ये मेरे दोस्त नीरज और राज है। हम लोग स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग में पढ़ते हैं और क्लास 10 के छात्र हैं। हम लोगों ने मिलकर एक क्रिएटिव रेडियो स्टेशन बनाया। इसका आइडिया हम लोगों को तब आया जब हम लोगों ने देखा कि गांव के लोगों के पास अच्छी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक क्रिएटिव रेडियो स्टेशन बनाया। इस रेडियो स्टेशन का यूज हम लोग तरह तरह रूप में ला सकते हैं। जैसे कि एक गांव में लेबर को अब काम की आवश्यकता है और दूसरे गांव का लेबर बेरोजगार बैठा हुआ है, तो वो लेबर दूसरे गांव में जाके काम कर सकता है। ये कैसे होगा? जब हम लोग रेडियो से ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित करेंगे पूरे पंचायत में कि यहाँ लेबर खाली है, किसी को काम की आवश्यकता है तो बुला लें। इससे क्या होगा कि वो लेबर कमा भी लेगा और उसका जीवन भी चलेगा। दूसरा ये कि अगर पंचायत में स्कीम निकला गवर्नमेंट का, जैसे कि यूरिया बांटने का फ्री में, राशन कार्ड और ये वृद्धा पेंशन, और इस ये सब भी इन्फॉर्मेशन जो होगा रेडियो के द्वारा हम ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरे पंचायत में, और वहाँ के जो लोग होंगे वो अपने पंचायत ऑफिस में आके ये सब का फायदा उठा सके गवर्नमेंट स्कीम का। और एक और यूजेस है रेडियो स्टेशन का कि जो सीजनल फेस्टिवल होता है गाँव में उसका भी मतलब लोगों के बारे में पता चले। और यहाँ इस रेडियो स्टेशन में हम लोग गाँव के लोकल टैलेंट को ला के भी दिखा सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग कर सकता है वो, अपना जोक्स मार सकता है, कुछ हो सकता है। हाय गाइस, मैंने जैसे बताया था कि मैंने एक क्रिएटिव रेडियो स्टेशन बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा मॉनिटर है और मैंने इसमें एक प्रोग्रामिंग लिखा है और मेरा अभी रेडियो चल रहा है। इसमें 100.3 चैनल हमने क्रिएट किया है जिसके माध्यम से हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब जैसे ही अपने फ़ोन पे रेडियो खोलिएगा, ये हमारा चैनल 100.9 को सर्च कीजिएगा, अपने फ़ोन पे आ जाएगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये इसका कॉर्ड है और ये एफएम फोन है और मैंने इसमें एंटर किया और ये मैंने रेडियो ऑन किया। ये हमारा 100.9 चैनल है और इसमें अभी मैंने गाना सेट किया है, इसलिए स्कूल सॉन्ग मैंने इसमें अभी डाला है, इसलिए 100.9 पे स्कूल सॉन्ग जो है अभी बज रहा है। और लाइव के लिए ये हमारे माइक है जो कि इसमें हम बोलेंगे और यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा और जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा यहाँ से लाइव चला जाएगा, जैसे ही हम बोलेंगे उस वाले में चला जाएगा। थैंक यू। सुप्रभात गाँव वासियों, आप सभी का क्रिएटिव रेडियो स्टेशन पर स्वागत है। आप अभी आरजे पिंटू के साथ सुन रहे हैं सरकारी योजनाएं। हाल ही में राज्य सरकार ने गांव के किसानों के लिए एक नई योजनाएं बनाई हैं जिसके अंतर्गत किसानों को यूरिया खाद और हाईब्रिड बीज बहुत ही कम दामों पर देने का ऐलान किया है, जिसके लिए आपको अपने पंचायत भवन में अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फोटो की आवश्यकता होगी। इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप अपने गांव के मुखिया से संपर्क करें। आज की योजनाएं यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह योजना पसंद आई होगी।